नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएमएन न्यूज। मैं हूं आपके साथ कनिका। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ अहम खबरों के साथ। बुलंदशहर में स्वात टीम और पहाड़सू पुलिस ने चार लुटेरों को गिरफ्तार कर लूट की आधा दर्जन वारदातों का खुलासा किया है। बुलंदशहर में लूट की वारदातों को अंजाम देते थे अलीगढ़ के लुटेरे। लुटेरों के कब्जे से चार तमंचे, जिंदा कारतूस, दो बाइक और अन्य दस्तावेज बरामद कर लिए गए हैं। रात में किसी लूट की वारदात अंजाम देने की फिराक में थे ये लुटेरे। पहासू पुलिस और स्वाट टीम ने मुखबिर की सूचना पर लुटेरों को गिरफ्तार किया है। कई लूटों का खुलासा हुआ है, कौन लोग हैं ये, किस तरीके का गैंग? ये कल रात में थाना पहासू और स्वाट टीम उनके सहयोग से एक लूट करने वाले एक गैंग का खुलासा किया गया है, जिसमें चार लोग गिरफ्तार किए गए हैं। देवांश, अंशुल, संदीप ये तीन लोग अलीगढ़ के रहने वाले हैं और नरेश फ्रिंकू ये लोकल पासू का रहने वाला है। इनके द्वारा काफी समय से लूट की घटनाएं इस जिले में कार्य की जा रही थी। इस गैंग के पकड़े जाने से इन घटनाओं में कमी आएगी और इनके पास से हम लोगों ने चार तमंचे जो ये लोग घटना में यूज करते थे, दो बाइक, लूट के मोबाइल, 45,500 रुपए और आधार कार्ड वगैरह ये सब हम लोगों ने सामान बरामद किया है इनसे। और इनके इससे पहासू, जहांगीराबाद, ककोड़, खानपुर, औरंगाबाद इन थानों में जो उन्होंने लूट की घटना की थी उनका खुलासा हुआ है। और ये पूर्व में भी इनका आपराधिक इतिहास है। देवांश के ऊपर 7 केस हैं, अंशुल के ऊपर 5, संदीप और नरेश उनके ऊपर 5-5 केस दर्ज हैं। सर, इस गिरोह की खास वजह ये बताई जा रही है कि ये रिश्तेदारी के ही लड़के हैं, तो क्या सर ये बात सही है कि ये एक साथ ही मतलब रिश्तेदारी के ही बच्चे हैं और उन्होंने खुद गैंग बना रखा? हाँ, इसमें जो एक पासू का जो रिंकू है ये इसमें मुखबिरी करता था बेसिकली इस जिले के लिए, और अलीगढ़ में जो उसकी कुछ रिश्तेदारियां हैं वहीं के वो थे लड़के जो आपराधिक प्रवृत्ति के थे, वो आकर यहाँ पे घटना करते थे। थैंक यू।